यह गुप्तकालीन मंदिर है जो 5वीं शताब्दी में बना था। पिछली वीडियो में हम आपको कानपुर के भीतर गांव में मौजूद जगन्नाथ मंदिर में लेकर गए। जगन्नाथ मंदिर के बाद हम पहुंचे भीतर गांव में ही मौजूद गुप्तकालीन मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। इस समय हम कानपुर के भीतर गांव में मौजूद गुप्तकालीन मंदिर में हैं। कहते हैं ये मंदिर 5वीं शताब्दी में बना था और ये मंदिर लक्ष्मण जी को समर्पित है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो गुप्त साम्राज्य के समय में ईंटों से बना था। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। ये मंदिर 450 एडी में बना था, यानी आज से लगभग 1540 साल पहले। लाल ईंटों से बना यह प्राचीन इष्टिका मंदिर है। इस मंदिर को सबसे प्राचीन हिंदू स्थान माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात हुआ था, यानी इसका निर्माण भूतों ने किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक गुप्तकालीन के राजा का प्राइवेट टेंपल था, मतलब बाहर से लोग यहाँ पूजा नहीं करने आते थे। इसी वजह से लोगों ने इसको भूतों का मंदिर बोल के इग्नोर किया, तभी आज ये मंदिर सुरक्षित है। 1877 में भारत के सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को सबसे पहले ये पता चला कि भीतर गांव में एक बहुत ही प्राचीन हिंदू मंदिर है। जब वो भीतर गांव पहुंचे, उन्होंने देखा ये मंदिर बिल्कुल जर्जर यानी डैमेज कंडीशन में था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने अपने सीनियर ऑफिसर से इसके रिपेयरिंग के लिए बात की और 2000 का बजट पास हुआ, बट उनके सीनियर ऑफिसर ने 2000 का बजट पास करने से मना कर दिया। इसके बाद 1905 में ये मंदिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मंदिर की ऊंचाई 50 फीट और मंदिर की दीवारों की मोटाई लगभग 8 फीट है। इस मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई, इसीलिए लोग कहते हैं इस मंदिर को भूत प्रेत ने बनाया और स्थानीय लोग यहाँ पर रात में जाने से डरते भी हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से को आप देख पा रहे हैं कितनी जर्जर अवस्था में, ऐसा ही पूरा मंदिर हो चुका था। भारत सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो चलिए अब मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। ये मंदिर सालों से इसी तरह बंद है और आप अंदर देख पा रहे हैं किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम की खोज के बाद जब लोगों को पता चला ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, उसके बाद बहुत सी यहाँ से चीजें चोरी भी हो चुकी हैं। पुरातत्व विभाग इसकी सुरक्षा का काम करता है। यह मंदिर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है जो आज से लगभग 1540 साल पहले की है। दीवारों पर लगी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कई सालों की मौसम की मार की वजह से डैमेज हो चुकी है। अब हम आपको यहां पर लगे मूर्तियों के बारे में बताते हैं। सामने विष्णु जी के वराह अवतार हैं। विष्णु जी आयुध पुरुषों के साथ। सामने गणेश जी की मूर्ति है। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा।